राजकुमार संतोषी ने ऋषि कपूर को सिखाया सबक। ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की जोड़ी 80 के दशक में युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय जोड़ी मानी जाती थी, लेकिन डिंपल ने फिल्म बॉबी की शानदार कामयाबी के बाद राजेश खन्ना से शादी कर फिल्मों को अलविदा कह दिया। सालों बाद फिल्म सागर से उनकी दोबारा वापसी हुई। इस फिल्म में भी उनके हीरो ऋषि कपूर ही थे। सागर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन फिल्म को क्रिटिक्स के बीच खूब वाहवाही मिली और इसे डिंपल कपाड़िया की शानदार वापसी के तौर पर देखा गया। ऋषि कपूर को लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, इससे ऋषि बुरी तरह चिढ़ गए और उन्होंने डिंपल के साथ फिर काम न करने की जिद सी पकड़ ली। 1993 में राजकुमार संतोषी ऋषि कपूर और मीनाक्षी शेषाद्रि को लेकर फिल्म दामिनी का निर्माण कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही संतोषी और मीनाक्षी के बीच काफी तनाव पैदा हो गया। बात इतनी आगे बढ़ गई कि संतोषी ने मीनाक्षी को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाते हुए डिंपल कपाड़िया को फिल्म में साइन कर लिया और शूटिंग शुरू कर दी। जब इसका पता ऋषि कपूर को चला तो उन्होंने शूट करने से साफ इनकार कर दिया और मीनाक्षी को वापस लाने की मांग करने लगे। संतोषी भी झुकने को तैयार नहीं थे और फिल्म का भविष्य अधर में नजर आने लगा। थोड़े दिनों बाद संतोषी ने ऋषि कपूर के सामने हथियार डालते हुए फिल्म से डिंपल को आउट कर दिया और श्रीदेवी को साइन कर लिया, लेकिन ऋषि कपूर मीनाक्षी के अलावा किसी और के साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं थे। बाद में सनी देओल ने बीच बचाव करते हुए संतोषी को मीनाक्षी को वापस फिल्म में लाने के लिए मना लिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही और मीनाक्षी को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया, जबकि कामयाबी का सारा क्रेडिट सनी देओल के हिस्से आया और ऋषि कपूर हाथ मलते रह गए। दरअसल ऋषि कपूर के मीनाक्षी प्रेम से खफा राजकुमार संतोषी ने ऋषि कपूर के रोल पर जमकर कैंची चलाई और फिल्म में उनकी हैसियत केवल एक्स्ट्रा की होकर रह गई। इस तरह दामिनी की जबरदस्त कामयाबी के बावजूद ऋषि कपूर को इस फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ।